रक्षा मंत्री जो हैं इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में राफेल जो है वो हैंडओवर होगा रक्षा मंत्री को और रक्षा मंत्री जो हैं वो शस्त्र पूजन करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं राफेल का राज तिलक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राफेल के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने पर हमारी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। एक तरह से बेड़े में शामिल होना राफेल का अपने आप में हमारे पड़ोसी मुल्क को संदेश है कि अब किस से हमारी सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ चुकी है और अब हमसे लोहा लेने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि राफेल की खूबियां जो है कि सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि डबल इंजन इसमें लगे हैं और ये रडार में दुश्मनों के दूसरे देश के रडार में राफेल जो है वो आ नहीं सकता। परमाणु हमले में भी सक्षम है राफेल, तो जो पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे पता है कि सैन्य शक्ति कितनी बढ़ने वाली है भारत की। तो इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी चैनल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे कि कोई भी चैनल उठाकर देख लीजिए, वो इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे उनकी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जयकांत मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जो है वो मौजूद हैं। जयकांत जी स्वागत है आपका। राफेल जिस तरह से हैंडओवर होने वाला है, थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री को हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद शस्त्र पूजन भी आज पेरिस में करने वाले हैं रक्षा मंत्री, कैसे देखते हैं सर इन सब चीजों को? क्योंकि दशहरे की भी बात हम करेंगे, विजयदशमी का पर्व है, पूरा देश जो है सेलिब्रेट कर रहा है और एक तरफ कह सकते हैं हमारी सैन्य शक्ति जो है वो भी बढ़ रही है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के लिए 125 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे जो सैन्य ताकतें हैं वो मजबूत हुई हैं। जहाँ तक हम चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा हमें 4 कदम आगे भी देखना चाहिए कि जब हम दुनिया में अपने ताकत को बढ़ाते हैं तो जो दुनिया के ताकतवर लोग हैं, जिसे हम अभी तक मानते आए हैं या जो दुनिया के लोग ताकतवर मानते हैं, जो 5-6 जो कंट्री हैं, वहाँ पे भी अगर इस बात की अगर हमारी मजबूती सामने आती है तो लोगों के नज़रिया बदलता है। ताकत हमेशा अपने आप को ये बताना पड़ता है कि जो सामने वाला लोग है वो कभी साहस करे तो उसे 4 बार सोचना चाहिए कि हम किस देश के साथ और किस किस हद तक जाने वाले हैं। तो इन चीज़ों को ये रोकता है। जहाँ तक बात होती है कि हमारा जो ये राफेल है, देखिए, बहुत सालों से ये राफेल रुका हुआ था, कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन राफेल आज अंततः भारत के लिए भारत में आया और भारत के लिए एक शुभ संदेश है। खास करके गौरवान्वित गौरव का विषय है उन 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 सैनिकों के लिए जो जो हमारे फ्रंट पे हैं, जो जो उनके घर के परिवार के जो लोग हैं, वो उन 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 सारी सुरक्षा से जो परिवार देश के 125 करोड़ लोग हैं वो जो महसूस करेंगे, सुकून करेंगे, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश का कि सरकार ने जो अपनी। जयकांत जी रोकना चाहूंगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त द्वारका में पहुंचे हैं, आज रावण दहन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में रावण दहन करेंगे। बीच बीच में हम तस्वीरें राफेल की भी दिखा रहे हैं, तो ये दोनों जो मौके हैं वो भारत के लिए आज खास हैं, पल कह सकते हैं ऐतिहासिक होने वाले, क्योंकि दशहरा विजयदशमी के मौके पर राफेल जो है वो वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। कई सालों से इंतजार था डील को लेकर, कांग्रेस हो या बीजेपी सभी ने जद्दोजहद की और ये पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी द्वारका में। आज यहाँ रावण दहन होना है, रामलीला मैदान से ये तस्वीरें हैं और थोड़ी ही देर में जो है कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीर चलाकर रावण के पुतले में आग लगाएंगे। अब हर साल दशहरे में रावण के पुतले का दहन किया जाता है और माना जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत होकर रहती है। श्री राम ने आज के ही दिन रावण का अंत किया था। 9 दिन तक शक्ति की पूजा करने के बाद दशहरे के दिन राम ने रावण का अंत किया था। तो हर साल पूरे देशवासी रावण वध देखने के लिए लोग जो है लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और आज भी इसी तरह से देखते हैं रावण दहन को कि असत्य पर सत्य की विजय हुई, बुराई पर अच्छाई की विजय होकर रहती है।
आज दशहरा के दिन जब रावण का पुतला फूंका जाता है तो कहते हैं कि एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि रावण का पुतला जिस तरीके से फूंका गया तो बुराई का अंत जो है वो होकर रहेगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें कि रावण कौन है वो रावण जिसका दहन हमें करना है, कौन है वो रावण जो हमारे बीच ही पनप रहा है, कौन है वो रावण जिसे हम सबको मिलकर खत्म करना है, तो अगर सबसे पहले जहन में कोई चीज आती है तो रावण हमारे भीतर ही मौजूद है और हमें उसका अंत खुद करना है। राम भी खुद में, रावण भी खुद में। राम की जीत कैसे हो जब रावण का पूरी तरह से विनाश हो? तो एक प्रतीकात्मक रूप में कह सकते हैं कि हम पुतले का दहन तो करते हैं लेकिन एक समाज को संदेश जाता है कि अब हमें समाज में जो भी बुराई है उसे अच्छाई से मिटाना है। तो आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है पूरे देश में। किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए कि दशहरे का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है और रामलीला का, नवरात्र में रामलीला का मंचन कई जगह किया जाता है, जिसके बाद आज के दिन दशहरे के दिन राम जो है वो रावण का वध करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है द्वारका पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीर चलाएंगे और उसके बाद रावण का वध करेंगे। उसके पहले ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दीप प्रज्वलित करते हुए भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है और साथ में अन्य देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, तो एक तरह से दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर आरती कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेंगे और आज यहाँ पर भी रावण का पुतला जो है वो पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीर चलाकर रावण का वध करेंगे। तस्वीरें बेहद ही खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका पहुंचे हैं और देखिए मंत्रोच्चारण के साथ है किस तरह से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिव की जो तस्वीर है वो भी लगी है, भगवान शिव भी मौजूद हैं और राम सीता लक्ष्मण की तस्वीर भी मौजूद है। दीप प्रज्वलित किया है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमलेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, जानकारी चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं द्वारका में पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर और कुछ ही पल बाद कह सकते हैं कि रावण का दहन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जो कार्यक्रम बताया गया हम लोगों को भी प्रधानमंत्री पहले जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री जो प्रतीक है राम के प्रतीक है, लक्ष्मण के प्रतीक है, सीता के प्रतीक है और भगवान शिव के प्रतीक उनकी पूजा कर रहे हैं। विधिवत इनकी प्रतीकों की पूजा के साथ ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ये जानकारी दी गई है कुछ कार्यक्रम होंगे जिसमें की परफॉर्मेंस उसका उसके बाद ठीक ठीक 5:15 बजे के आसपास जो है वो रावण दहन करेंगे जो मुहूर्त निकाला गया। हालांकि जो कार्यक्रम बताया गया है कि ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो लेकिन जो मंच बनाया गया मंच पे कोई पोडियम पे 10 कुर्सियां लगाई हुई है और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति पहुंचे उसके बाद पुष्पार्चन का कार्यक्रम शुरू हो जाए। जी कमलेश, आज क्या कुछ खास वहां देखने को मिलेगा? देखिए जो आमतौर पर जो रामलीला में होता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक धनुष के जरिए रावण का वध करेंगे, मेघनाद का वध करेंगे, कुंभकर्ण का वध करेंगे, तो अभी जो देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए तो पुष्प पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं जो रामलीला की प्रक्रिया होती है, पूजा करने के बाद ही पूरा प्रोसेस शुरू होता है और अंतिम दृश्य का जो मंचन होता है मतलब जिसमें आपको याद होगा कि रावण वध से पहले मंचन होगा कि किस तरह से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उसका मंचन होगा स्टेज पर। उसके बाद उस मंचन के बाद जैसे ही प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध मंचन होता उसी के बाद प्रधानमंत्री ट्वीट के द्वारा रावण का वध करेंगे। जी कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ है स्टूडियो में इस वक्त हिंदू धर्म गुरु जो है आचार्य राज मिश्र मौजूद है। आचार्य जी, किस तरीके से देखते हैं रावण वध के पहले ये जो पूजा अर्चना की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित की, इस पूरे दृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसे कार्य को किया जाए जो वास्तविकता में बुराई को नष्ट करने के लिए जब भी कोई कार्य करते हैं तो आवश्यकता होती है कि उससे पहले आप देव आशीर्वाद को ग्रहण करें। आपने देखा होगा
श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भी भगवान राम जब रावण के वध के लिए लंका प्रस्थान करते हैं तो उससे पहले वहां पर भगवान शिव की स्थापना करते हैं और भगवान राम कहते भी हैं कि मोरे हृदय परम कल्पना यहां करूं मैं शंभु स्थापना, मैं भगवान शिव की यहां पर स्थापना करता हूं, भगवान शिव की आराधना करता हूं, भगवान शिव की पूजा करता हूं। आप लोगों को पता है रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उनकी आराधना के बाद जा करके जब भगवान शिव का आशीर्वाद भगवान राम प्राप्त करते हैं उसके बाद जाकर के लंका में और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार जब भी कोई ऐसा बड़ा कार्य, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के मुख्यतम व्यक्ति हैं, तो शास्त्र भी कहता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पाल ही पोस ही सकल जग तुलसी सहित विवेक। श्री रामचरितमानस कहता है कि जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुखिया है, मुखिया मुख सो चाहिए, जिस प्रकार हमारा मुख होता है कि हम खाते मुख के द्वारा हैं लेकिन पौष्टिकता पूरे शरीर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो देश का प्राइम मिनिस्टर है उसको इस प्रकार के कार्य करना चाहिए जिससे जो समाज है, समाज का जो धर्म, समाज की जो मर्यादा है, प्रकृति की जो प्रतिष्ठा है, वो सारी चीजें बरकरार रहें, सारी चीजें विधिवत तरीके से चलें। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंच करके रावण का दहन करना, लेकिन रावण के दहन करने से पहले जो पूजन है उसको पूरी तरह से करना, और किस रावण का दहन सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को समझना। आज हम सभी लोग रावण के दहन को करने के लिए जाते हैं। रावण के दहन से पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम उस व्यक्ति को नष्ट करने जा रहे हैं जो बहुत नॉलेजेबल है। अगर हम रावण को लेकर के देखें तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्री रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि रावण नाम जगत जस जाना और लोकप जाके बंदी खाना। रावण के जो बंदी खाना में, जो लोकपाल कहा जाए, सूर्य आदि नवग्रह कहा जाए या समय इत्यादि को कहा जाए, काल को कहा जाए, वो रावण की वास्तविकता में बंदी थे। रावण ने उनको बंदी बना रखा था। आज उसका वध करने जाना है, उस रावण का वध करने जाना है, उस रावण को नष्ट करने के लिए आज प्रधानमंत्री को वहां पर बाण छोड़ना है, जो रावण वास्तविकता में, जिसके लिए कहा जाता था कि मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी दुनिया में ना कोई दूजा है, मैंने अपने शीश को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है, जिसने भक्ति में अपने शीश को काट करके चढ़ा दिया, आज उस रावण का वध करने। सवाल आचार्य जी यही उठता है कि रावण को लेकर जिस तरह से लोगों में ये भ्रांतियां भी कह लीजिए, या जो हमने बचपन से रामायण देखी है तो सब कहते हैं कि रावण जो है वो कुकर्मी है, रावण जो है उसने सीता का अपहरण किया इसलिए श्री राम ने मारा, लेकिन ये जो रावण वध किया जाता है ये असल में क्या संदेश एक समाज को देने की कोशिश होती है? कहते हैं, मैंने सुना है, हमारे भीतर ही राम है, हमारे भीतर ही रावण, ये कितना सच है आज के परिप्रेक्ष्य में? अगर वास्तविकता में हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर है, और वास्तविकता में वही 10 इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमारे अंदर का राम है, और जो 5 कर्म इंद्रियां हैं वो हमारे अंदर का रावण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जागृत किसको करते हैं। संसार के श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है, तबलग बसत जगत खलनाना और लोभ मोह मत्सर मद माना, जबलग उर न बसत रघुनाथा और धरे चाप सायक कटिभा था। हमारे शरीर के अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार। आचार्य जी ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त पगड़ी पहनाई जा रही है, ये भी परंपरा है एक तरह से कह सकते हैं कि रावण वध करना है, जैसे पहले दीप प्रज्वलित की और वहां पूजा अर्चना की गई, उसके बाद अब जब मंच पर बैठे हैं तो पगड़ी पहनाई जा रही है। और आपने भी कहा जिस तरह से कि मुखिया जो है उसका दायित्व जो है बढ़ जाता है और मुखिया लीड करता है, तो यहां पगड़ी पहनाई जा रही है, पूरी तरह से प्रधानमंत्री धीरे तैयार हो रहे हैं। जानना चाहूंगी आचार्य जी कि आज टाइमिंग क्या है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में टाइमिंग अलग होती है रावण वध को लेकर, आज भी दशहरे के दिन कुछ इस तरह से है क्या? जी बिल्कुल, अगर आज रावण वध को लेकर के जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो उसमें चर लग्न का विशेष प्रयोग किया जाता है, अगर ज्योतिष के आधार पर उठा करके देखा जाए तो। आज अगर रावण वध की प्रक्रिया को उठा करके देखें तो 6 बजे से लेकर के और 8:30 बजे का जो मुहूर्त है, 8:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो विशेष प्रकार का मुहूर्त है, जिसमें रावण का जो दहन है वो वास्तविकता में किया जा सकता है। इस टाइम पर जो रावण दहन है वो समाज की आत्मा को शांति प्रदान करने वाली, और वास्तविकता में इस समय पर कुछ ऐसे योग हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो रावण दहन के साथ उनका नष्ट होना आवश्यक है। इस तस्वीर को कैसे डिफाइन करेंगे आचार्य जी, अगर पूछा जाए कि यहाँ गदा जो है वो भेंट की गई और एक तरह से सभी ने उसे हाथ लगाया, तो कहते हैं
शस्त्र हो अस्त्र हो उसकी पूजा तो की जाती है जब आप युद्ध करने मैदान में उतरते हैं, लेकिन गदा देना ये कैसे देखते हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे? एक किसी देश को लीड करना एक वास्तविकता में, और आप जब उस प्रकार की, जैसा कि आपकी मैं बातों को सुन रहा था कार्यक्रम में कि आज राफेल भारत को प्राप्त हो रहा, आज राफेल की जो पूजा है वो जाकर के हमारे आदरणीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो जाकर के करने वाले हैं, तो किसी देश को वास्तविकता में लीड करना एक युद्धद मुद्रा के अंतर्गत ही हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप एक शस्त्र का पूजन करना या शस्त्र भेंट करना किस चीज का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है, सोते हुए आप शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप जागृत होकर के शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। शस्त्र किसको भेंट किया जाता है, जो व्यक्ति वास्तविकता में पराक्रमी हो उसको शस्त्र भेंट किया जाता है। तो गदा का भेंट करना वास्तविकता में एक चीज का, गदा जो है स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूरे श्री रामचरित्र मानस को उठा करके देखेंगे, हनुमान जी ने गदा सदैव अपने पास रखा है लेकिन गदा का प्रयोग कहीं नहीं किया है, पूरा रामायण आप उठा करके देख लीजिए। शायद इसलिए भी हनुमान जी की तस्वीर भी भेंट की जा रही है जी, बिल्कुल, कि हनुमान जी की भेंट पहले गदा एज ए प्रतीक के रूप में दिया गया और उसके बाद हनुमान एक ऐसे कैरेक्टर रामायण के कि बिन हनुमान रामायण, और ये कहा भी जाता है कि अभी भी अगर आप रामायण का पाठ कहीं करते हैं तो हनुमान किसी ना किसी रूप में वहां जरूर आते हैं, चाहे वो मक्खी या मच्छर के रूप में ही क्यों ना हो लेकिन मौजूद जरूर रहते हैं। क्या ये सच है आचार्य जी? सबसे पहले जहां पर भक्ति होता है, आपने मक्छर का नाम लिया, हनुमान जी के स्वरूप को लेकर के कई बार वर्णन आता है और सुंदरकांड के अंतर्गत तो लिखा भी है कि मशक समान रूप कपधारी लंक ही चलो सुमिर नरहारी। भगवान हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना है तो उन्होंने वाक्य में मशक का, जिसको हम मक्छर कहते हैं, उसका स्वरूप धारण किया और प्रवेश किया। तो अगर आप धार्मिक कार्य को करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ सहृदय करते हैं, अच्छे हृदय के साथ यदि श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हनुमान जी का वहां पर निवास होता है और भगवान हनुमान जी निश्चित रूप से उसका श्रवण करने आते हैं। और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहां बताना चाहेंगे, डिफाइन करना चाहेंगे कि देखिए ये तस्वीर जो दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और लगातार एक एक करके उनको भेंट जो है वो दिए जा रहे हैं। पहले गदा दिया गया और आचार्य जी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किन चीजों के क्या मायने हैं और आखिरकार क्यों ये कार्यक्रम में रावण दहन से पहले ये चीजें भेंट की जा रही है। तो धनुष बाण भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, लगातार जो अतिथिगण हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। मनोज तिवारी इस वक्त मंच पर मौजूद है और बस कुछ ही पलों का इंतजार, जैसा कि आचार्य भी बता रहे थे कि शाम 6 बजे से लेकर 8:30 तक का वक्त जो है वो काफ़ी शुभ माना जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से लगातार एक के बाद एक अभी हनुमान भगवान हनुमान का वो जो तस्वीर है वो जो भेंट की गई थी और अब राम सीता की तस्वीर जो है वो भेंट की जा रही है और शायद 6 से 8:30 के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शुभ मुहूर्त में रावण का वध करेंगे। अगर हम बात करें जयकांत मिश्रा जी, आज की डेट में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रावण वध जो है, ये जो पुतले का दहन किया जाता है ये सिर्फ संदेश देने के लिए समाज को, आज की डेट में आप क्या कहेंगे कि रावण कौन है? अगर राजनीति की हम बात कर लें तो जिस तरह से पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम ही हमारे अंदर ही दोनों चीज़ हैं, लेकिन रावण कौन? नहीं देखिए, इसको तो थोड़ा पॉलिटिकल डिफाइन करना मुश्किल काम है, लेकिन ये मोटे तौर पे मान करके चलना चाहिए कि जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों का अगर शुभचिंतक नहीं है या उसके 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 प्रति जो उसका दायित्व है अगर वो सोच नहीं पाता है और वो निर्वाह नहीं कर पाता है, तो उसे खुद अपने आप में एक सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात कही थी कि रावण विजय और अविजय का मतलब क्या है, तो जो मनुष्य के अंदर ही जो भावना होती है वो रावण भी होता है और राम भी होता है। तो जो आज जो है हम जो बुराइयों से अच्छाइयों पे जो विजय पाते हैं, वही एक संदेश देश के लोगों को दिया जाना होता है और वही हर साल हम देते हैं। ये स्वरूप और भी तरह से भी दिया जाता है, लेकिन आज एक बड़े पैमाने पर दिया जाता है, धूमधाम से भी दिया जाता है कि देश में जो बुराइयाँ हैं उसे हम संकल्पित लें, उसे फूंकें, उसे अपने मन और विचारधारा और सोच से हटाएं, और जो व्यक्ति जिस स्तर पे काम करता है उस स्तर पे उसे वो काम करना चाहिए, ताकि देश के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर,
पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा स्वस्थ देश, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ सोच डेवलप। लेकिन इस वक्त देश की जो हालात हैं, अगर हम देखें कि हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर ले, क्योंकि पाकिस्तान, अभी मैं पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि धारा 370 हटने के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से घेरने की कोशिश भारत को की। भारत ने हर फ्रंट पर पाकिस्तान को मात दिया। फ्रांस में राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं हम अपने दर्शकों को। will help them in acquiring knowledge and professional expertise required for performing their tasks in India. आज का दिन इंडो-फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया माइलस्टोन है और वास्तव में बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी उपलब्धियां हमें और बहुत कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। इस फ्रांस यात्रा के दौरान मेरी मिनिस्टर पार्ली के साथ साथ मेरी अन्य चर्चाओं में यह मेरे एजेंडा में भी होगा। Today marks a new milestone in the Indo-French strategic partnership and indeed a new high in the bilateral defense cooperation. Such achievements as today's encourage us to do more, and that will be on my agenda when I meet Minister Parly today, as well as in my other interactions during this visit to France. मुझे बताया गया है कि रफाल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी, यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा। हमारी वायुसेना विश्व की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो फ्रांस में मौजूद है। राफेल थोड़ी देर में हैंडओवर होने वाला है और देखिए संयोग ही कहिए कि रक्षा मंत्री उधर अपनी बात रख रहे हैं और इधर दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। द्वारका से ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में रावण वध होना है, असत्य पर सत्य की जीत होगी। और लगातार हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो राफेल हमारे वायु सेना के बेड़े में जो है शामिल हो रहा है, सैन्य शक्ति जो है हमारी बढ़ने वाली है और वो भी आज का दिन खास और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरा देश विजयदशमी का पर्व मना रहा है और ये पर्व ही अपने आप में कहता है कि सत्य पर सत्य की विजय होकर रहती है। और ये द्वारका से तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, अगर पूरे भारत की बात कर ले, जहाँ जहाँ रामलीला का मंचन होता है, आज दशहरे के दिन रावण वध होता है, आज भी हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो हैं अपने परिवार के साथ रावण वध देखने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जयकांत मिश्रा और हिंदू धर्म गुरु आचार्य राज मिश्रा जुड़े हुए हैं। जयकांत जी, कैसे ये तस्वीरें अपने आप में कह सकते हैं रोचक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। देखिए एक तरफ किस तरह से भीड़ दिख रही है कि विजयदशमी के दिन अब रावण वध होने वाला है, दूसरी तरफ वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा राफेल। जयकांत जी, जी बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि सबसे बड़ी खबर तो आज देखिए हमारे सत्य असत्य के ऊपर सत्य का विजय तो ये संदेश जाहिर है, लेकिन हमारे देश को जो ताकत प्रदान कर रहा है जो राफेल, जो आज गौरव के साथ देश के 125 करोड़ लोगों को समर्पित करेंगे राजनाथ सिंह, और ये हमारे देश को एक ऐसी दिशा तय करेगा कि देखिए एक बात हमें समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान हमेशा उसकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एंटी इंडिया है। उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, न उसके पास विकास का कोई मुद्दा है, न उसके पास शिक्षा का कोई मुद्दा है, न उसके पास सड़क का कोई मुद्दा है, न सुरक्षा का मुद्दा है, न उसके पास कुछ है ऐसा। तो वो देश दुनिया में अपना घूम घूम करके आपका उसका आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति क्या है ये दुनिया से छुपा नहीं है। तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलता है कि कैसे हम अपने आप को मजबूती, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, हमेशा वो एंटी इंडिया का वो राजनीति करता आया है। लेकिन जो ये राफेल का हमने जो संदेश देने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चाइना भी है और दुनिया में जो 5-7-8 देश अपने आप को ताकतवर मानते हैं, उन देशों को भी एक सोचने के लिए जो मोदी सरकार ने अभी एक कदम उठाया है और जो हाउडी मोदी करके और जो अमेरिका में एक ताकत का झंडा गाड़ा है, वो एक संदेश देगा कि दुनिया में हम भी एक ताकतवर उभर करके आ रहे हैं
और हम किसी से कम नहीं। हमें नज़रअंदाज किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता और किसी भी रूप में कह ले, क्योंकि यूएन के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, अगर पिछली बार की बात कर ले, फर्स्ट टर्म की बात कर ले, और जब यूएन में मौजूद थे तो योग दिवस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। इस बार सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात की कि इसे बैन किया जाए और भारत में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है। तो यही तो है बुराई, हम बुराइयों को अगर धीरे धीरे खत्म करने लगेंगे तो हम अपने आप परफेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे और सत्य की जीत अपने आप हो जाएगी। ये जो मंचन इस वक्त हो रहा है द्वारका में, ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि सीता मैया जो है वो मौजूद हैं वन में, और रावण दहन होने से पहले ये जो रामलीला चलती है उसका आखिरी पड़ाव होता है रावण दहन। तो ये आखिरी पड़ाव पे अब हम पहुंच चुके हैं। आचार्य जी, कितना इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आखिरी पड़ाव बात कर ले तो कितना इम्पॉर्टेंट है, और रावण के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इतने बड़े बल ज्ञान और वैराग्य में रावण से बड़ा कोई नहीं, तो क्या रावण को पता था कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ श्री राम के तहत ही उनको होगी, इसीलिए उन्होंने ये पूरा जो चीज़ है खेल वो रचा। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, अगर रावण की सच्चाई को जानना है तो आपको श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का जो अध्ययन है वो बहुत ज़रूरी है करने के लिए। किष्किंधा कांड जो अध्ययन है उससे पता चलता है, किष्किंधा कांड के अंतर्गत जब खरदूषण का वध होता है, शूर्पणखा के नाक काट कटने के बाद जब खरदूषण का वध होता है, रावण के बाद शूर्पणखा पहुँचती है, तो रावण बहुत विचार करता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही भी सोचत भवन गय नींद परी नहीं रात, और उसके बाद कहता है खर दूषण मोशम बलवंता तीन ही न मारे बिन भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान है, मेरे बिना उनका कोई वध नहीं कर सकता है, लेकिन मैं राक्षसी शरीर में हूँ, भजन न हो ये तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हाँ, मेरे इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है, इसलिए मैं उनसे हट करता हूँ और भक्ति को चुरा कर अपने घर में लेकर के आता हूँ, सीता जी का हरण करके अपने घर में लेकर के आता हूँ, तब प्रभु को यहाँ तक आना पड़ेगा और वो मेरा वध करेंगे, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार का वध करके हम सबको जो है वो मुक्ति प्रदान करेंगे। तो अगर रावण की इस सच्चाई को जानना है तो किष्किंधा कांड का जो अध्ययन है और आरण्यकांड का जो अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो आज के समाज को सीखने की आवश्यकता है, रावण आपको पता है परम प्रतापी था, उस जैसा बलिष्ठ इस संसार में कोई नहीं था, रावण की जितना विद्वान इस संसार में कोई नहीं था, रावण की जितना बड़ा ज्योतिषी इस संसार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक कमी ने उसके शायद पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तो ये आज के समाज को सोचने की आवश्यकता होती है, जो आज भी होता है कि जब प्रतिष्ठा पाते हैं तो शायद हमारे जीवन में बहुत, हमारे मस्तिष्क में बहुत परिवर्तन आ जाता है, हम अपने शायद सामने शायद किसी को सोचते नहीं हैं। श्री रामचरितमानस में कहा भी जाता है कि को नर अस जनमा जगमाही प्रभुता पाई जाई मदनाही। तो जब भी आप प्रभुता को प्राप्त करते हैं तो आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता होती है। यदि किसी बड़े पोजीशन पर आप जाकर के बैठते हैं तो आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी नॉलेजेबल होना, वेद का बहुत नॉलेज होना आपको अच्छा बनाए इसकी संभावना नहीं है, अच्छे पोजीशन पर आप पहुंच जाएं आप अच्छे हों इसकी संभावना नहीं है, आप बहुत बलिष्ठ हों, बहुत पराक्रमी हों आप अच्छे हों इसकी संभावना नहीं है। जब तक आप नेचर से अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप अंदरूनी अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो रावण का वध आज इस चीज को दिखाता है कि सारी चीजें होने के बाद भी यदि आप सावधान रहेंगे, यदि आप बेहतर रहेंगे, यदि आप अपने विचारों को अच्छा रखेंगे तो इस संसार में अच्छी परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो चाहे कह सकते हैं आचार्य जी कुछ इसी तरह का मैसेज पूरे विश्व में देना चाह रहा है। ये दो तस्वीरें जो हम बार बार दिखा रहे हैं कि एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का, कहते हैं आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है और रावण वध होना है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का वध होगा। दूसरी तरफ हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्रांस से, ये जो ऐतिहासिक पल है जो कैमरों में कैद किया जा रहा है, ऐतिहासिक क्षण कहेंगे, कई सालों से भारत को इंतजार था कि राफेल कब वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, और देखिए किस तरह से हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, पूरा देश इस वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये दोनों तस्वीरें इतनी खास हो जाती हैं, मौका इतना खास हो जाता है कि एक तरफ तो रावण का वध होना है, बुराई हारेगी अच्छाई जीतेगी, सत्य की जीत असत्य पर होकर
रहेगी। और उसी तरह से जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप जब एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन पे होते हैं, आप जब टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचते हैं, तो आपका ज्ञान, आपका बल, आप किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही खास हो जाता है। तो आज भारत उसी कह सकते हैं कि स्थिति में है कि हम चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, चाहे वो अध्यात्म की बात कर ले, सैन्य शक्तियों की बात कर ले, देश के अंदर की बुराइयों की बात कर ले। आज आरएसएस ने जिस तरीके से मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा, उसके बाद दिग्विजय सिंह बोले, लेकिन कुल जी अगर यहां पर हम उठा करके एक चीज को लेकर के देखें, बिल्कुल सच्चाई है। वैसे तो भारत का प्रत्येक सैनिक अपने आप में राफेल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का प्रत्येक सैनिक अपने आप में राफेल है। लेकिन आज विजयदशमी के दिन आकर के शस्त्र पूजा के साथ साथ उसका भारत के साथ पूर्णतः जुड़ जाना, एक साल के बाद भी अगर प्राप्त होता है, आज उसकी पूजा हो रही है, तो इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है। जो हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो रावण रूपी कृत्य को कर रहे हैं, जो रावण रूपी पड़ोसी हैं, शायद निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ा विषय है सोचने का कि यदि हमने अब कोई ऐसा कृत्य करने का प्रयास किया जो अनैतिक होगा, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को नष्ट कर दिया, इतने बड़े साम्राज्य होने के बाद, इतनी बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति होने के बाद, उसी प्रकार भारत का ये राफेल रावण की तरह हमें नष्ट कर देगा, हमारा पता भी नहीं चलेगा शायद। तो ये एक परिस्थितियां हैं, शायद इसके माध्यम से एक बेहतर सूचना है, और इस चीज का शामिल होना, आज भारत के साथ राफेल का शामिल होना, इस संयोग को कैसे देखते हैं आचार्य, अगर बात की जाए तो सुखद संयोग है भारत के लिए। देखिए भारत आप जानते हैं विश्वगुरु है, भारत हमेशा एक बेहतर संयोग के साथ आगे बढ़ा है, और भारत ने समाज को हमेशा एक नई दिशा दी है, विश्व को हमेशा एक नया ज्ञान दिया है। आज के दिन सिर्फ एक ये संयोग है, और विश्व को एक दिखाने की, एक देखने की जरूरत है। भारत एक दिखा रहा है विश्व को कि आप हमें इतने हल्के में ना सोचो, हम राम की तरह शालीन हैं। आप लोगों को याद होगा श्री रामचरितमानस में समुद्र की 3 दिन तक भगवान राम बैठ करके प्रार्थना करते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम शकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। तो भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र की बैठ करके प्रार्थना की, भैया मान जाओ मुझे निकलना है, 3 दिन तक समुद्र नहीं मानता है। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण वाहन सरासर यानो सौ सौ बार। एक मिनट आचार्य जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, जरा सा ऑडियो में चाहूंगी कि यहाँ पे तेज कर दे। ये रावण का अहंकार बोल रहा है आचार्य जी। जिस तरीके से रामायण में रावण के किरदार को दिखाया गया है, अगर उससे इतर बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं रावण को लेकर कि रावण को कुकर्मी, रावण को ऐसा दिखाया गया है कि अहंकार से भरा हुआ था। लेकिन अगर दूसरे परिपेक्ष में बात करें तो रावण को ये पता था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे लेनी है, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान आखिरकार इस तरह की गलती या इस तरह का पाप क्यों करेगा। देखिए तो दोनों परिपेक्ष जाना चाहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रावण वहीं पर समझ गया इस बात को, जब खर और दूषण का वध हुआ था तो उसने सीधे शब्दों में कहा था कि खर दूषण मोसम बलवंता, मेरे समान बलवान है, तिन्हें न मारे बिन भगवंता, इनको भगवान राम के बिना कोई इनका वध करे, भगवान विष्णु के बिना इनका कोई वध करे, इसकी संभावना नहीं हो सकती है। और मेरा तामसी शरीर है, भजन न हो ये तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है, शायद मैं भजन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जा करके दूसरे तरीके से
मुक्ति को प्राप्त करना है, और अगर मैं भजन करूंगा तो सिर्फ मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मेरा राक्षसी परिवार मुक्ति प्राप्त करे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं होती। अब आपको उसकी अच्छी चीजें बताता हूं जो रावण की बेहतर चीजें रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब माता सीता का हरण करके रावण जा रहा था तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, चरण बंद तहीं अत सुख माना। हरण करके तो ले जा रहा है लेकिन उसने उनके चरणों की सबसे पहले वंदना की है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रावण ने मरते समय एक शब्द कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पलमे परलय हो यगी बहुरी करेगो कब। उसने कहा कि जो कार्य कल करना है, रावण का वध करने के बाद जब रावण अपनी अंतिम अवस्था में है तब भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ रावण से कुछ राजनैतिक और सामाजिक गुण सीख करके आओ। जी हाँ, यहाँ पे मैंने भी पढ़ा है कि लक्ष्मण जी को आखिरी वक्त में रावण ने ज्ञान दिया था। वो ज्ञान क्या था? वास्तविकता में यही ज्ञान था कि कल करे सो आज कर, आज कर। रावण एक बहुत डिफरेंट चीज क्रिएट कर रहा था। जब रावण के वध से पहले मेघनाथ का वध हुआ तो रावण के मन में इस प्रकार का विचार आया कि मैं पिता हूं, मेरे वध से पहले मेरा पुत्र चला गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो शायद इस संसार में किसी का पुत्र उससे पहले चला जाए तो कितना दुख होता होगा, इसलिए मैं एक ऐसी चीज क्रिएट करता हूं कि जिससे संसार में कोई पुत्र पिता से पहले किसी का वध होगा ही नहीं, कभी भी पुत्र पिता से पहले मरेगा नहीं। प्रकृति के नियम को बदलना चाहता था, एक दिन पहले भगवान राम ने उसका वध कर दिया। तो उसने लक्ष्मण जी को ये कहा, किसी भी कार्य को कल पर मत टालिए, यदि कार्य को कल पर टालेंगे तो कल का भरोसा नहीं, कल करे सो आज कर, जो कल करना है उसको आज कर लीजिए और जो आज करना है उसको अभी कीजिए, जो कार्य को कभी कल पर मत टालिए। तो लक्ष्मण जी को उसने ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए। लेकिन रावण की अच्छाई में एक और अच्छाई है, रावण स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था। आज अगर समाज के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जाकर के रावण को जलाने के लिए तैयार होते हैं जो शायद स्त्रियों के सम्मान को कहीं भी नहीं करते हैं, जो शायद समाज में चलती हुई लड़कियों के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, लेकिन रावण ये जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि रावण जो है वो शिव आराधना कर रहे हैं। लड़ाई से पहले रावण ने भी शिव आराधना की थी। शिव का परम शिष्य रावण को कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है जो शिव का परम शिष्य हो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, अहंकार किसी में आ सकता है, ये आप नहीं कह सकते। शिवत्व को शायद भक्ति प्राप्त करके, जब व्यक्ति भक्ति करता है, मैंने इसीलिए कार्यक्रम के स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। कई बार आज के समय में आपने देखा होगा, आज के समाज को उठा करके कई लोग साधु संत के रूप में आए, परमात्मा के कुछ आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने के बाद उनके अंदर बहुत तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आप युद्ध में चाहिए, आपको इस युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। मंदोदरी, हो सकता है कि ये मेरा अंतिम युद्ध हो और तुम मेरे अंतिम भाव दर्शन कर रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इतना विशाल युद्ध करूं, परंतु मेरा युद्ध राम के साथ नहीं था, मेरा युद्ध इस समाज के साथ था, समाज की धारणाओं के साथ था जिसमें परिवर्तन करना अनिवार्य था, और उस परिवर्तन की होड़ में मैंने अपने संपूर्ण खानदान को खत्म कर दिया। परंतु रावण आज भी लड़ेगा और शान से लड़ेगा। आप युद्ध में जाइए, निकुम्बला देवी आपकी रक्षा करेगी।
तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको द्वारका से दिखा रहे हैं, किस तरह से आखिरी पड़ाव पर कह सकते हैं कि रामलीला जो है वो पहुंच चुकी है और रावण का वध होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं मंच पर, और किस तरह से जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर पहले पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद जब मंच पर पहुँचे नरेंद्र मोदी तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद राम लक्ष्मण और सीता की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तिलक लगाया श्री राम को। आचार्य हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, ये जो प्रसंग हुआ इस वक्त जो हमने आपको दिखाया और टीवी स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं, मंदोदरी जब रावण से संवाद कर रही है, ये प्रसंग हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आखिरी लड़ाई लड़ने रावण जो है वो जा रहा है, ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान, संसद में मेरे साथी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे मित्र भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे पुराने साथी भाई राजेश गहलोत जी, राजीव जी सोलंकी, बीपी टंडन जी, सुखवीर जी, मुकेश जी, अविनाश जी, डॉक्टर खान और विशाल संख्या में पधारे हुए संस्कृति प्रेमी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको विजयादशमी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारत उत्सवों की भूमि है, शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन बचा होगा हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव न मनाया जाता हो। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण अनेक विविध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है जीवन, इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत, इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का, शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया। उत्सव हमें जोड़ते भी हैं, उत्सव हमें मोड़ते भी हैं, उत्सव हमें उमंग भी भरते हैं, उत्साह भी भरते हैं और नए नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी रंगों में उत्सव धमकता रहता है, इसलिए भारत के सामाजिक जीवन का प्राण तत्व उत्सव है, और यह उत्सव प्राण तत्व होने के कारण हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा को
कभी क्लब कल्चर में जाना नहीं पड़ा, उत्सव ही उसकी भावों की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम बनते रहे और यही उत्सवों का सामर्थ्य होता है। उत्सव के साथ एक प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को एक सामाजिक गरिमा देने का, प्रतिभा को पुरस्कृत करने का ये भी हमारे यहां निरंतर प्रयास चला है। कला हो, वाद्य हो, गान हो, नृत्य हो, हर प्रकार की कला हमारे उत्सवों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और इसी कारण भारत के हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में इस कला साधना के कारण, उत्सवों के माध्यम से कला हमारे जीवन व्यवस्था में होने के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट पैदा नहीं होते हैं, जीते जागते इंसान पैदा होते हैं। उसके भीतर की मानवता, इसके भीतर की करुणा, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की दया भावना, इसको लगातार ऊर्जा देने का काम उत्सवों के माध्यम से होता है। और इसलिए अभी अभी हमने नवरात्रि के 9 दिन, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर नवरात्रि का पर्व न मनाया जाता है, शक्ति साधना का पर्व, शक्ति उपासना का पर्व, शक्ति आराधना का पर्व। और ये शक्ति भीतर की कमियों को कम करने के लिए, भीतर की असमर्थताओं से मुक्ति पाने के लिए, भीतर घर कर गई कुछ हल्की फुल्की चीजों से मुक्ति पाने के लिए, ये शक्ति की आराधना एक नए स्वरूप में, नई शक्ति का संचार भीतर भीतर करता है। और जब मां की उपासना करने वाला ये देश, शक्ति साधना करने वाला ये देश उस धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प भी ये शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है, समाज के हर नागरिक की जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए इस बार मैंने मन की बात में कहा था कि हमारे यहां उत्सव युग काल अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। हम एक ऐसा समाज है जो गर्व के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम चुनौतियों के साथ चुनौती देने वाले भी हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदलने वाले भी लोग हैं। समय रहते परिवर्तन लाना, और इसी का कारण है जब कोई कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्यों नहीं मिटती, उसका कारण यही है कि जब हमारे समाज में कोई बुराई आती है तो हमारे समाज के भीतर से ही उस बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने वाले महापुरुष भी पैदा होते हैं। हमारे ही समाज में घर कर गई, समाज ने स्वीकार की गई बुराइयों के खिलाफ हमारे ही समाज का व्यक्ति जब लड़ाई लड़ने निकलता है, शुरू में संघर्ष होता है,
बाद में वही आदरणीय तपस्वी आचार्य, वही अपना युग पुरुष, वही अपना प्रेरणा पुरुष बन जाता है। और इसलिए हम बदलाव को निरंतर स्वीकार करने वाले लोग हैं। और जब बदलाव को स्वीकार करने वाले लोग हैं, तब मैंने इस बार मन की बात में कहा था कि दिवाली के पर्व पे हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आगमन बड़ी आतुरता से हम करते हैं, हमारे मन में सपना होता है कि आने वाला वर्ष, अगली दिवाली तक ये लक्ष्मी हमारे घर में ही रहे, लक्ष्मी हमारी बढ़ती रहे, ये हमारे मन का भाव रहता है। मैंने मन की बात में कहा था कि जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती हो, हमारे घर में भी लक्ष्मी होती है, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में भी लक्ष्मी होती है, हमारी बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, हम हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए। वही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए, वही हमारे देश की लक्ष्मी होती है। और इसलिए हमारे यहां उत्सवों का भी समयानुकूल बदलाव हमने स्वीकार किया हुआ है। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और साथ साथ आज हमारी वायुसेना का भी जन्मदिन है। हमारे देश की वायुसेना जिस प्रकार से पराक्रम की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, आज ये अवसर है विजयादशमी का पावन पर्व। और जब भगवान हनुमान को याद करते हैं, तब विशेष रूप से आइए हम वायुसेना को भी याद करें और हमारे वायुसेना के सभी हमारे जाबाज जवानों को भी याद करें और उनके भी शुभकामनाएं हम व्यक्त करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। आज विजयादशमी का पर्व है। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व। लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए, डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व तो बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें हम देश की भलाई के लिए एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे, जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं, वो भी एक संकल्प हो सकता है। मैं कभी खाना खाता हूं, जूठा नहीं छोड़ूंगा, ये भी संकल्प हो सकता है। मैं बिजली बचाऊं, ये भी संकल्प हो सकता है। मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा, ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, ऐसा पवित्र अवसर, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए, उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे, ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है? सामूहिकता की शक्ति भगवान श्री कृष्ण को जब याद करें तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन सभी ग्वालों को उनकी लाठी के सामूहिक ताकत से उसको उठाने में उन्होंने साथ जोड़ा था। प्रभु राम जी के जीवन में देखें, समंदर पार करना था, पुल बनाना था, पुल ब्रिज बनाना था, सामूहिक शक्ति, वो भी अपने साथी के रूप में जंगलों से जो साथी मिले थे उनको साथ लेकर के सामूहिक शक्ति के माध्यम से प्रभु राम जी ने ब्रिज भी बना दिया और लंका भी पहुंच गए। ये सामर्थ्य सामूहिकता में होता है। ये उत्सव सामूहिकता की शक्ति देते हैं। उन शक्ति के भरोसे हम भी अपने संकल्पों को पार करें। प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें, अपने गांव गली मोहल्ले को जोड़े, एक आंदोलन के रूप में चलाएं। नो फर्स्ट यूज प्लास्टिक। और इसलिए इस प्रकार का विचार लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मुक्ति का हमारा अपना संकल्प होना चाहिए। आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी, इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है, मैं अंतःकरण पूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है द्वारका से दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विजयदशमी के मौके पर वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे और जो संदेश उन्हें देना था वो संदेश उन्होंने दिया। और बार बार हम भी इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि असत्य पर सत्य की विजय, तो किस तरह सत्य की विजय हो सकती है और किस तरह आज के युग में अगर हम बात करें तो हमारे भीतर ही जो रावण है, जो हमारे भीतर बुराइयाँ हैं उनको कैसे ख़त्म करना चाहिए, तमाम उन पहलुओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात भी की कि किस तरह से खतरा जो है उसे ख़त्म करना चाहिए, चाहे शारदीय नवरात्र में जिस तरह से या फिर लक्ष्मी के रूप में जिस तरह से पूजा जाता है। दीपावली आने वाली है और उसमें हम माता लक्ष्मी को पूजते हैं और शारदीय नवरात्र में हम माँ दुर्गा को पूजते हैं, तो इसी तरह हमें महिलाओं के सम्मान के लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए, तमाम इन बातों का जिक्र किया। एक तरफ तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह जो आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है रामलीला और बस कुछ ही देर बाद रावण वध होगा। दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको फ्रांस से दिखा रहे हैं कि राफेल जो है, आज वायुसेना दिवस है, ऐसे मौके पर राफेल जो है हैंडओवर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और वहीं आज शस्त्र पूजन कहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि राफेल का राज तिलक आज होगा।
तो ये दोहरी खुशी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से किया कि विजयदशमी का पर्व है और ऐसे में राफेल भी हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा, आज वायुसेना का भी बर्थडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई सारी बातें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बदलाव को गर्व के साथ हम स्वीकार करते हैं, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है ये कहा जाता है, और परिवर्तन क्योंकि हम जिस तरह से चेंजेस आते हैं उन परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं, उसके साथ हम बदलते हैं और शायद बदलते युग बदलती परिस्थितियों का कह सकते हैं कि ये डिमांड रही है कि राफेल जो है वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क का व्यवहार हमारी तरफ हो रहा है, उसे देखते हुए ये देखिए कि किस तरह से राज तिलक किया जा रहा है राफेल का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो राज तिलक कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं फ्रांस में किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने राज तिलक किया है राफेल का। ये तस्वीरें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और शायद इस क्षण का इंतज़ार पूरे भारतवासी जो है वो कर रहे थे। सभी को इंतज़ार था कि राफेल कब वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, कब हमारी सैन्य शक्ति जो है वो आकाश की ऊँचाइयों को छुएंगी। और रावण के लिए रावण के मैदान में चल पड़ी है, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम अब होने वाला है, रावण का अंत हो चुका है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई प्रवेश वर्मा जी से, वो हाथ का बना हुआ मोदी जी का चित्र वो प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उसकी बेटी ने ये बनाया है, राजेश अग्रवाल की बेटी ने
अपने हाथों से बनाया है और उसको भेंट करेंगे भाई प्रवेश वर्मा जी। पीछे थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि बेटी को सबसे पहले ऊपर लेके आओ और अब बेटी को बुलाने के लिए गया है राजेश जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बिटिया को आशीर्वाद देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। और मैं निवेदन करूंगा कि अब प्रधानमंत्री जी यहां से तीर छोड़कर रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे, असत्य पर सत्य की विजय होगी और रावण रूपी राक्षस कुंभकर्ण मेघनाद तीनों का अंत होगा। इसलिए तीर और कमान, भगवान राम का तीर कमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया जाए। अब प्रधानमंत्री जी तीर कमान पर कमान चढ़ गई है और अब रावण रूपी राक्षस का अंत हो रहा है। तीर छोड़ दिया गया है और रावण का भी सर्वनाश हो गया है। तीनों पुत्रों का दहन शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में यहां पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं क्योंकि अब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का दहन हो चुका है और आप सबके बीच में अब की बार क्योंकि हरे पटाखे हैं इसलिए आवाज नहीं है। जोरदार तालियों के साथ पटाखों की आवाज आपको तालियों से करनी है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अभी आवाज कम आ रही है, स्टेज तक आवाज आनी चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय श्री राम, जय श्री
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। भारत का गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। जय तो जय श्री राम के नारों से गूंज उठा कार्यक्रम स्थल, जहां पर रावण का वध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता को संबोधित किया तो जो संदेश दिया कि आपसी भाईचारे का संदेश दिया, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो सत्य असत्य पर सत्य की विजय की बात की जाती है और रावण वध जो किया जाता है तो वो इसी को ध्यान में रख के किया जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, मौका था विजयदशमी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचते हैं द्वारका और रावण का वध होता है और फिर जय श्री राम के नारों के साथ ही मोदी मोदी के नारे भी गूंजने लगते हैं, कैसे देखते हैं? बेहद संक्षिप्त भाषण में उन्होंने ये कहा कि शक्ति की पूजा होती है, असत्य पे सत्य की जीत की पूजा है। उन्होंने कहा कि एक तरह के मैसेज देने की कोशिश, जो 16 मिनट का जो भाषण था वो देखेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की आज दिन है कि हम लोग जो ऊर्जा के संरक्षण से जल संरक्षण करें, फूट जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। तो कहीं वही, और ये भी कहा कि जो बच्चियों हैं, माता है, उनको एक शक्ति के रूप में पूजें। ये 3-4 मैसेज देने की कोशिश की और बिल्कुल आप बताने सामाजिक माध्यम था, कोई राजनीतिक मैसेज नहीं था। और आज के दिन ये कह सकते हैं कि बहुत प्रेरक और बहुत ही उत्साह से भरा हुआ शासन था प्रधानमंत्री का। कमलेश, इन बातों को कैसे लेते हैं? हालांकि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक भाषण नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं कहा कि जब जब समाज में बुराई जो है वो सर उठाती है, तब तक समाज के भीतर से ही कोई शख्स जो है वो उठता है बुराई के खात्मे के लिए, और वो हमारे समाज के भीतर ही होता है। कहीं ना कहीं कटाक्ष कहेंगे क्या इसे? देखिए, बिल्कुल कटाक्ष था कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो बुराई जो समाज में उठे उसको अपनी खुद ही खात्मा करना पड़ेगा। हालांकि वो अलग बात थी जब पौराणिक काल में कोई ना कोई अवतार होता था, और ये कहा था कि हम मानव है, हम मानव रूप में अवतार लेते हैं और वो यहाँ पैदा करते हैं, हमारे अंदर संवेदना है, संभावना है और कुछ सत्य इच्छा है। यहाँ जब उन्होंने ये कहा कि अंदर की जो खात्मा है उनको खत्म करना पड़ेगा, कोई अगर आप भी सोचेंगे कि कोई अवतार लेके कोई खत्म करने आएगा तो वो नहीं, आपको भी आगे बढ़ते इन तमाम कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पूरा भाषण प्रेरक था, और मुझे जो 10-12 दिन को मेरे भाषण ये सही नहीं लगता है कि उनके भाषण में कहीं भी कोई नुकसान के नहीं कर सके। आज के दिन जो एक सुटेबल भाषण आप कर सकते हैं कि आज के लिए जिस तरह का भाषण होना चाहिए, राजनेता को जो मैसेज देना चाहिए समाज को, उन्होंने भाषण दिया जी। कमलेश, एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कही, परिवर्तन की बात कही कि हम बदलाव को जो है वो स्वीकार करते हैं, परिवर्तन जो आया है समाज में उसे हम स्वीकार करते हैं, और शायद हम इसलिए अमिट छवि जो है वो बनते जा रहे हैं क्योंकि हम समय के साथ बदलते रहते हैं। कैसे देखते हैं इसे? जिस तरह से अभी अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हालात को बात कर ले, या देश के भीतर आंतरिक जो युद्ध चल रहा है उसकी भी बात कर ले, तो क्या इस ओर इशारा था? देखिए, दोनों इस शब्द को आप द्विवार्षिक शब्द कह सकते हैं, दोनों तरफ से आप ले सकते हैं। एक तरफ अगर इस मैसेज को अगर ग्रहण करें तो उसका ये इशारा था कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, हम बदल रहे हैं, लेकिन जो सर सामने वाला देश है, ये सामने पड़ोसी है, वो बदल नहीं रहा। अगर आप इसको सत्ता विपक्ष के सेंस में लेंगे तो यही कहेंगे कि हम तो बदल रहे, विपक्ष बदलने को तैयार, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा, उस सेंस में लिया आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि इन तमाम दूरक्षी शब्दों से बचना होगा आज के दिन कम से कम। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें कुछ इस तरह की बातें नहीं जिससे कि आपको
नुक्ताचीनी किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी तरह आज की भाषा जो भाषण था उनका एक धार्मिक और एक एक राष्ट्र लीडर के रूप में और एक बड़े नेता के तौर में जो भाषण आज के दिन दिया जाना चाहिए श्रीराम के असत्य सत्य की विजय की, उसको भाषण उन्होंने दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का फिर से जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लास्टिक को बैन करने की बात कह रहे हैं, एक तरह से लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है अब धीरे धीरे एक ही बात को अगर बार बार आप कहते हैं तो शायद उस चीज को स्वीकार भी धीरे धीरे कर लिया जाता है। इस वक्त सीधी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और कमलेश हम आपसे जानकारी भी चाहेंगे। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात करेंगे तो हम आपको बताना चाहूंगा कि आज जो आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था श्री राम आयोजन समिति की ओर से, कहीं भी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, घड़ों का इस्तेमाल किया गया, तो ठीक जिस मंच पर मोदी प्रधानमंत्री बैठे हुए तो वहाँ भी जो पानी की बोतल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो पहुंच चुके हैं कमलेश, वहाँ पर मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद थे ही, मनोज तिवारी भी मौजूद थे और यहाँ रावण वध हो चुका है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिक्र कर रहे थे कमलेश कि राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ और अब मंच पर मौजूद हैं। कमलेश आपने जैसा कहा था कि राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं, तो राष्ट्रपति अब पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी के साथ, मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर तीर चलाएंगे और दो बारी बारी से एक ही तीर को पकड़कर दोनों नेताओं के छोड़ने का कार्यक्रम है। हालांकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये सांकेतिक होगा कि दोनों नेता दोनों जो राष्ट्रपति और उनको पकड़ने के साथ ही जो करीब 107 मीटर जो लंबा जो रावण है वो दो दूर का जन्म थेगा और ये जाहिर तौर अच्छाई की प्रतीक है कि आप कर सकते हैं रश्मि होगा और देखना होगा कुछ ही देर में। हालांकि कहा गया है कि 7 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है, आज राष्ट्रपति के आने के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, राष्ट्रपति पहुंच गए, हो सकता है कुछ ही देर में ये दी। ये गदा भेंट की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मंच पर मौजूद थे और लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलेश भी बता रहे हैं कि ये पहुंचने का कार्यक्रम था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और अब पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी के साथ मंच पर मौजूद हैं और जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, पहले शॉल भेंट की गई और अब गदा भेंट किया गया और हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से आज क्योंकि विजयदशमी है और ऐसे मौके पर ये जो चीज़ें भेंट की जाती हैं वो एक तरह से सिंबल होता है। ये देखिए प्रतिमा भेंट की जा रही है राम लक्ष्मण सीता, विजयदशमी का मौका है तो ऐसे में ये सारे प्रतीक चिन्ह जो हैं वो भेंट किए जा रहे हैं राष्ट्रपति को और ये मौका बेहद ही खास है। आज न सिर्फ विजयदशमी पूरा देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, एक तरफ लगातार हम तस्वीरें आपको फ्रांस से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से राफेल का राज तिलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में पहुंचे और उन्होंने रावण वध किया। हालांकि रावण वध का भी अपना एक टाइमिंग जो है वो फिक्स होती है और हमारे साथ जब आचार्य जी मौजूद थे वो भी बता रहे थे कि शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो है शुभ मुहूर्त माना जा रहा था। तो ऐसे में डिसीजन जब लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चलाया और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चलाकर जो है रावण का वध किया और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं कार्यक्रम में। इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन के दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो पहुंचे हैं। कमलेश हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन के दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लगता है संपर्क हमारा हमारे सहयोगी से टूट गया है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और जैसा विजयदशमी का मौका है और पूरे देश में विजयदशमी के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, हम जगह जगह से तस्वीरें देख रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि पूरा देश जो है विजयदशमी का पर्व मना रहा है। नवरात्र, शारदीय नवरात्र से पहले 9 दिनों की नवरात्रि थी
और नवरात्र भी पूरे देश में नवरात्र की धूम देखने को मिली और उसके बाद आज दशहरा है जो पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो पहुंचे हैं दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और देखने वाली बात होगी क्योंकि रामलीला का जो मंचन है वो 9 दिनों तक शारदीय नवरात्र में चलता है और आज आखिरी पड़ाव होता है। कमलेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कमलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, ये इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन के पास ये कार्यक्रम होना है, क्या जानकारी? देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में जो कार्यक्रम है ये आईटी एक्शन, हालांकि पहले ये कहा गया था कि पहले जो परंपरा होती थी कि जो रामलीला समिति जो लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने वहाँ इस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों जाया करते थे, लेकिन ये पहली दफा है कि जो परंपरा छूटी है और प्रधानमंत्री द्वारका पहुंचे हैं और राष्ट्रपति इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं, और जो कार्यक्रम जहाँ पहले प्रधानमंत्री किया करते थे कार्यक्रम, वहाँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ये पूरा इस बात के हुआ है, राष्ट्रपति पहुंचे हैं और उसी विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, फिर वो रावण दहन का कार्यक्रम भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम में बदलाव हुआ है या फिर कुछ डिसीजन पहले से ही था? कमलेश, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? नहीं, देखिए पहले ये तो लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन ये चेंज किया गया, मार्च को 5 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में नहीं जाएंगे। हालांकि रामलीला कमेटी वहाँ जो परंपरा रही है जो सुभाष खेरे ग्राउंड है वहाँ पे कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी भी जाती थी, राहुल गांधी भी जाया करते थे और मनमोहन सिंह भी जाया करते थे और प्रधानमंत्री भी जाते थे, तो दोनों नेताओं को बारी में इन्वाइट किया जाता था, शायद ये बात ठीक नहीं लग रही होगी इसलिए। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार दिल्ली में आम चुनाव होना है, द्वारका जहाँ ये स्थलीय चुना गया है काफी बड़ा मैदान है और करीब 20 विधानसभा क्षेत्र है इसके आसपास है अगर आप दक्षिण दिल्ली के डेमोग्राफी को देखेंगे, और खासकर जिस जगह भी रावण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए हुआ है वो कार्यक्रम के आसपास जो नई बिल्डिंग है यानी करीब जो जानकारी दी जाती है कि करीब करीब 10 लाख नए फ्लैट है, मानी 10 लाख लोग प्रवासी लोग हैं, नए लोग हैं जो बीजेपी का कोर वोटर है, उन्हीं के बीच ये रामलीला मैदान है। ऐसी स्थिति में ये भी मैसेज देने की कोशिश की दिल्ली में जो चुनाव आना उस वही मैसेज देने की कोशिश होगी, लेकिन जो परंपरा है टूटी है, जब तक मुझे जान पड़ता है कि 20 साल से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और नेता प्रतिपक्ष जो भी होते हैं वो सुभाष खैरे ग्राउंड ही जाया करते हैं। तो क्या कमलेश इसी तरह के परिवर्तन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, क्योंकि वक्त की जब डिमांड होती है तो उस तरीके से बदलाव को स्वीकार करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो संदेश दे रहे थे बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, शायद यही मैसेज होगा उनका। परंपरा ही रही थी कि सुभाष खैरे ग्राउंड में दोनों प्रधानमंत्री जाया करते थे, अभी तक मतलब इसके पहले साल तक कोई परिवर्तन नहीं था, इस बार आए परिवर्तन किया और बाद में बताया कि मात्र 5 दिन पहले ये सूचना सिर्फ दिल्ली पुलिस को दी गई थी और जो आयोजन समिति है उसको सूचना 3 दिन पहले दी गई जब हम लोग को ये जानकारी लगी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानकारी दी गई सुभाष परेड ग्राउंड ही जा रहे हैं, लेकिन 5 दिन दिल्ली पुलिस सूचना दिन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जो कवायद है उसको करनी शुरू कर दी थी। SPG 3 दिन पहले SPG ने एरिया टेकओवर किया तो तभी हम लोग को जानकारी लगी कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो चेंज हो रहा है। हालांकि दूसरा राजनीति की तलाश करते हैं कार्यक्रम तब्दील होने की पीछे, या ये भी कह सकते हैं सुरक्षा मामलों से जहां ये पहले का कार्यक्रम हुआ करता था सुहाग ग्राउंड वो काफी तंग गलियों में है और आसपास बड़े ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कई बार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होता है। इस बार भी आपको याद होगा कि दिल्ली में आतंकवादी घटना की रेड अलर्ट था, यूएस ने कहा था साफ किस तरह की आतंकी घटना हो सकता है कि ये भी पहलू हो इसके पीछे, कई चीजें हो सकती है इसके। जी, यहाँ कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है कमलेश, कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, इंद्रप्रस्थ में जो इंद्रप्रस्थ का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, कितनी जानकारी है कि राष्ट्रपति वहाँ जाएंगे और विधिवत श्री धनुष रावण दहन का कार्यक्रम सबको संपन्न करेंगे, ये भी चौंकाने वाली बात है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं।
जी वाकई में, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि परंपरा तो यही रही है और इन्फॉर्मेशन भी पहले यही थी कि राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे द्वारका में, लेकिन लास्ट मोमेंट कह सकते हैं कि बदलाव किया गया, या फिर बदलाव पहले किया गया होगा, इन्फॉर्मेशन मीडिया को बाद में दी गई, लेकिन बदलाव क्यों हुआ इसकी वजह तो बाद में पता चलेगी। यहाँ पर भी तस्वीरें एक बार हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो द्वारका में पहुंचे थे और वहाँ रावण वध किया, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन पहुंचे हैं दशहरा कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ, और यहाँ पर भी रामलीला जो है वो अपने आखिरी पड़ाव में है, और देखिए किस तरह से स्टेज पर दिखाया जा रहा है कि श्री राम जो हैं वो रावण वध जो है करने वाले हैं। रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा है, अपने आखिरी पड़ाव पर रामलीला। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, और यहाँ दशहरा कार्यक्रम चल रहा है, और ये देखिए कि किस तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो रामलीला जो है अपने आखिरी पड़ाव में है, और रावण दहन दशहरा के दिन किया जाता है। रावण दहन के पीछे कहानी यही है कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, और जैसा कि हमारे सहयोगी बार बार बता रहे हैं कि कार्यक्रम तो ये था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचने वाले थे द्वारका में, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिन्होंने रावण वध किया, लास्ट टाइम में कह सकते हैं ये चेंजेस हुए, या चेंजेस तो पहले हो चुके होंगे लेकिन मीडिया को इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो पहुंचे हैं दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और ये वहां से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए रामलीला जो है अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है, और किस तरह से श्री राम जो है रावण वध के पहले एक जो मंचन किया जा रहा है वो दृश्य कितना ना अच्छा है, और एक संदेश देता है ये पूरा दृश्य जो कह रहे हैं एक संदेश दे रहा है कि अब जब थोड़ी ही देर में रावण का वध होगा तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। सालों से चली आ रही है परंपरा, रावण का वध राम ने जब किया है उसके बाद से हम दशहरा सेलिब्रेट करते आए हैं, और हर दशहरे में कह सकते हैं कि शारदीय नवरात्र जब से शुरू होता है तो रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है। कई जगह दुर्गा पूजा पंडाल में भी रामलीला का कार्यक्रम जो है वो साथ साथ में चलता है, और दशहरे के दिन विजयदशमी के दिन राम जो हैं वो रावण का वध करते हैं, और ये शायद वही पल है जब राम जो हैं वो रावण वध की तैयारी में। तो एक तरफ रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये देखिए कि किस तरह से मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ रावण मौजूद है और एक तरफ राम, एक तरफ रावण की सेना मौजूद है, एक तरफ श्री राम की सेना, और दोनों में ये आखिरी युद्ध जब प्रभु श्री राम जो हैं वो रावण का वध करेंगे। मनमोहक दृश्य कह सकते हैं कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में दशहरा कार्यक्रम ये जो है आयोजित किया गया है, साथ ही साथ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रावण का वध किया जा रहा है और रावण के पुतले जो है वो जल रहे हैं, और ये जो रामलीला का मंचन जो है शारदीय नवरात्र में शुरू होता है विजयदशमी के दिन, विजय दशमी के दिन जो कह सकते हैं कि रावण का वध होता है, और ये आखिरी पड़ाव में रामलीला।
तो विजयदशमी के दिन राम जो है रावण का वध करते हैं। समाज में संदेश यही जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय होकर रहती है। आज के युग में अगर बात कर ले तो रावण कौन है, अगर हम अपने भीतर झांके तो राम भी वही है, रावण भी वही। बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ बस मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए R9 TV। कल हम युद्ध में अपने अजय रथ पर निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते।